हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं एकदम सिंपल और स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज पंचमेल दाल है मेरे लंच में और जुकनी की सब्ज़ी, वो भी बहुत अलग तरीके से बनाऊँगी। तो आइए चलते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो मैंने 5 तरह का दाल ले लिया है, अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर। 5 दालों को मैंने ले लिया है और उसको अच्छे से धुल के मैंने उबाल लिया। देखिए, हल्दी और नमक डाल के मैं उसको उबालूंगी। ये विसल देने लगा है, ये जुकनी है। जुकनी को अच्छे से धो के काट लिया और पहले लोहे की कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के उसको भून लूँगी, रख दूँगी। तब तक वो अध पका हो जाएगा, तो तब तक भूनता रहेगा। तब तक हम लोग मसाले की तैयारी करते हैं। प्याज वगैरह कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये जुकनी भून रही है, प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिया है। मैं थोड़ा सा तेल लूँगी, उसमें हींग डालूँगी, जीरा डालूँगी, तेज़पत्ता, प्याज, थोड़ा सा सौते करूँगी। और ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊँगी। मिक्सी में मैंने एक टमाटर ले लिया है और कुछ गरम मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काले मिर्च पाउडर, ये डाल के मैंने पीस लिया है। और लहसुन और अदरक सब डाल के मैंने पीस लिया है। मैंने 1 टमाटो लिया है और पीस के फिर मैं प्याज वाले पेस्ट में डाल दूँगी। उसके बाद पकाऊँगी। धनिया और जीरा पाउडर भी मिला दूँगी। देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इसको एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है। जो मिक्सी में बचा हुआ मसाला था, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डाल दूँगी और मैं ढक के थोड़े टाइम पकाऊँगी। उसके बाद एक कलछी की सहायता से उसको प्याज को अच्छे से मैश कर दूंगी। और आँच स्लो रहेगा ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी जस्ट फॉर कलर। मिला लूंगी मैं। जो भुनी हुई जुकनी थी, एकदम लिटिल सा तेल डाल के मैंने उसको सौते कर लिया था, तो वो मैं मिला दूंगी।
अब दाल के तड़के की बारी है। थोड़ा सा तेल लूँगी और हींग डालूँगी। हींग बहुत ही अच्छा होता है, तो हर खाने में डाले बहुत अच्छी बात है। दालचीनी का टुकड़ा लूँगी और एक तेज़पत्ता और लहसुन बारीक काट लिया है डालूँगी। एक सूखा मिर्चा डालूँगी, प्याज, उसको ट्रांसलूसेंट होने तक भूनूंगी। और हाँ, जो जुकनी की सब्जी थी मैंने बीच में रख दिया एकदम स्लो आंच करके। उधर पक रहा है किनारे और यहाँ मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे बहुत फटाफट हो जाता है। इसमें एक बड़ी इलायची डाल दूंगी। अदरक का थोड़ा सा नमक डालूंगी। दाल में भी नमक था तो मैं सिर्फ प्याज पकने के लिए नमक डाल रही हूँ। एक टोमेटो को चॉप करके डाल दिया। थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर, इससे अलग ही टेस्ट आता है। जीरा और धनिया पाउडर ज़रूर रखें। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। इसको स्लो आंच करके पका लूँगी। मसाला खूब अच्छे से पक जाएगा। प्याज और टमाटर कलछी से अच्छे से दबा के पका लेंगे और इसमें दाल मिला देंगे। आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर एकदम अलग आ रहा है। गाइस, ये दाल इतनी अच्छी लगती है कि आप ऐसे भी खा सकते हो। सिर्फ रोटी दाल या फिर चावल दाल भी खा सकते हो। इतनी ज़बरदस्त दाल लगती है और ऊपर से हेल्दी भी है। इसमें पास दाल मिला हुआ है तो मैं थोड़ा गार्निशिंग कर दूँगी धनिया की पत्ती से। धनिया की पत्ती मुझे ऑप्शनल है टोटली। तो मैं अपना लिविंग रूम दिखाऊंगी। इसमें देखिए हमने वॉलपेपर लगाया। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मेरा बेटा खेल रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा लुक का चेंज हो गया है। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।